हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन की। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे और साथ में हम सिक्वल के क्वेरीज के थ्रू भी इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि रियल टाइम में जब आप इसको सिक्वल में इंप्लीमेंट करते हो तो आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस सिंबॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस सिंबॉल। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन बिल्ड्स अ रिलेशन विथ कॉन्केटिनेशन ऑफ एवरी रो इन द फर्स्ट रिलेशन सपोज दैट आर विथ एवरी रो इन द सेकेंड रिलेशन दैट इज एस। तो सपोज दैट आपके पास दो रिलेशन है, रिलेशन मीन्स टेबल, तो आपके पास दो टेबल्स है आर और एस। तो अगर हमने दो टेबल लिया आर और एस, और इनमें आपके पास क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे या कॉलम्स होंगे। सपोज दैट यहाँ पास A1 एट्रीब्यूट है, A2 एट्रीब्यूट है, A3 एट्रीब्यूट है एंड A4 एट्रीब्यूट है या कॉलम्स है और कुछ रोज हैं। वैसे ही S रिलेशन में या S टेबल में आपके पास दो कॉलम हैं, दैट इज C1 एंड C2, या दो एट्रीब्यूट्स हैं C1 और C2 और कुछ रोज हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, फर्स्ट रिलेशन के हर रो को, ईच रो को आप क्या करते हो, एसोसिएट करते हो दूसरे रिलेशन के हर रो के साथ। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन बिल्ड्स अ रिलेशन विद कॉन्केटिनेशन ऑफ एवरी रो इन द फर्स्ट रिलेशन विद एवरी रो इन द सेकेंड रिलेशन। आप कर क्या रहे हो, यहां का एक एक रो आप कंसिडर करोगे और उस रो को एसोसिएट करोगे इसके हर रो के साथ। वैसे इसका दूसरा रो इसके हर रो के साथ एसोसिएट होगा, इसका तीसरा रो इसके हर रो के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, तो यहां आप कॉन्केटिनेट करते हो हर रो को, एवरी रो ऑफ द फर्स्ट रिलेशन विद एवरी रो इन द सेकेंड रिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन। तो समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप देखो यहां आप कर क्या रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो या कॉन्केटिनेट कर रहे हो ईच रो जो भी आपका फर्स्ट रिलेशन का है उसके सेकेंड रिलेशन के रोज के साथ। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विथ एवरी रो इन अनदर टेबल, लेकिन उसमें आप वेयर क्लॉज इंक्लूड नहीं करते हो, फिल्ट्रेशन नहीं करते हो, क्योंकि वेयर क्लॉज क्या करता है, रो फिल्ट्रेशन का कहना चाहिए, रो फिल्ट्रेशन में आपको हेल्प करता है। वेयर क्लॉज रो फिल्ट्रेशन में आपको मदद करता है। तो वेयर क्लॉज का अगर आप यूज ना करो और सिंपल आप अगर ज्वाइन करो तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, रिजल्ट है ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अनदर टेबल विदाउट यूजिंग एनी वेयर क्लॉज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज अ बाइनरी सेट ऑपरेशन। बाइनरी सेट ऑपरेशन इट मींस आपको कम से कम दो टेबल चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सो एट अ टाइम वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन टू रिलेशन, बट द टू रिलेशन ऑन विच वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन देर इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन दैट दोज टू रिलेशन शुड बी यूनियन कंपैटिबल। इट मींस अगर हम बात करें तो जो भी आप दो रिलेशन पे क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं उनको यूनियन कंपैटिबल होना जरूरी नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने सेट ऑपरेशंस में देखा था वहां यूनियन कंपैटिबिलिटी कंपलसरी था या यूनियन कंपैटिबिलिटी नेसेसरी था, यहां नहीं है। यूनियन कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, अगर आप यूनियन कंपैटिबिलिटी की बात करते हो तो यूनियन कंपैटिबिलिटी में जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी दो रिलेशन की आप बात कर रहे हो उनमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। दूसरा, ईच एट्रीब्यूट और द कॉलम ऑफ द फर्स्ट रिलेशन मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप एज द करेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, जैसे यहां देखो अगर मैंने बात की तो पहली बात, अगर हम यूनियन कंपेटिबिलिटी की बात करते तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है आर में और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है एस में वो दोनों सेम होने चाहिए। दूसरा, जो ए वन कॉलम है और यहाँ सी वन कॉलम है उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। वैसे ही ए टू का सी टू से, ए थ्री का सी थ्री से सेम होना चाहिए था, ए फोर का सी फोर होना से सेम होना चाहिए। मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं
उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए था अगर यूनियन कंपेटिबिलिटी की हम बात करते, लेकिन यहां ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो भी आप दो रिलेशन ले रहे हैं वो यूनियन कंपेटिबल हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां यूनियन कंपेटिबिलिटी मैंडेटरी नहीं है। सो इफ रिलेशन आर कंटेन्स T1 टपल्स एंड रिलेशन एस कंटेन्स T2 टपल्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल हैव T1 इनटू T2 टपल्स। तो अगर आप देखिए, अगर यहां सपोज दैट 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रोज हैं आपके आर रिलेशन में, और एस में आपके पास 1 2 और 3 रोज हैं, तो बट ऑब्वियस है जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कितने रोज होंगे। तो जो भी आपके यहाँ टपल हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 टपल्स हो गए या 3 टपल्स हो गए, तो यहाँ 4 क्रॉस 3 कर दीजिए, टोटल आपके पास फाइनल कितने टपल्स होने चाहिए, 12 टपल्स होने चाहिए अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास नंबर ऑफ टपल्स कितने आते हैं या नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। आप क्या करिए, जो भी नंबर ऑफ रोज है आर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ रो या टपल एस के, तो आपको फाइनल टपल्स मिल जाएंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपको रिजल्ट में मिलते हैं या रिजल्टेंट टेबल में मिलते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे पहले रिलेशन या पहले टेबल का नाम आर है और दूसरे रिलेशन या दूसरे टेबल का नाम एस है, तो आप लिखते हो आर क्रॉस एस या आर क्रॉस प्रोडक्ट एस, क्योंकि इस साइन को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस साइन बोलते हैं। तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पास मैंने क्या किया है, दो रिलेशन लिया हुआ है। अगर आप देखो, पहला रिलेशन है स्टूडेंट, जिसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं SID, SName और फोन नंबर है, या जो कॉलम्स हैं वो SID, SName और फोन नंबर है। दूसरा जो रिलेशन या टेबल लिया है वो सब्जेक्ट्स के नाम से है, जिसमें दो कॉलम्स हैं या दो एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट इज एस कोड एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट नेम। तो हम समझते हैं, तो ये मेरा स्टूडेंट टेबल हो गया। अगर आप देखें तो स्टूडेंट के पास SID कॉलम है या SID एट्रीब्यूट है, SName एट्रीब्यूट है एंड फोन नंबर है। इसके पास आप देखें तो टोटल 4 रोज हैं, टपल 1, क्योंकि रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो टपल 2, टपल 3 एंड टपल 4, तो 4 रोज यहां हो गए। दूसरा अगर आप देखो तो सब्जेक्ट टेबल है, सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपके पास दो एट्रीब्यूट है, एस कोड एंड सब्जेक्ट नेम। यहां पास जो आपके टपल्स हैं, यहां आपके पास दो टपल्स हैं, T1 एंड T2, तो यहां आपके पास टोटल 4 रोज हो गए और यहां आपके पास टोटल 2 रोज हो गए। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, मींस आप अगर बोलोगे कि स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट सब्जेक्ट्स, तो आपके पास टोटल रोज कितने आएंगे, यहां आपके पास 4 रोज हैं, यहां आपके पास 2 रोज हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 2, और ये आपके पास आएंगे टोटल 8 रोज आपके पास आएंगे। तो आप क्या, आपको करना क्या है, पहले रिलेशन के, फर्स्ट रिलेशन के जितने भी रो हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड रिलेशन के, तो आपको फाइनल रिजल्टेंट टपल्स मिल जाएंगे जो आपका रिजल्ट वाला टेबल आने वाला है, या रिजल्टेंट टेबल के टोटल टपल्स मिल जाएंगे पहले पहले कहना चाहिए रिलेशन के, फर्स्ट रिलेशन के रोज को आप अगर सेकेंड रिलेशन के रोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ओके, तो देखिए कैसे वर्क करेगा समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो होगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास देखिए स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट्स है SID, SName एंड फोन नंबर। तो देखिए जो रिजल्टेंट टेबल है उस रिजल्टेंट टेबल में आ गया SID, SName और फोन नंबर, ठीक है। मैं यहां क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहां जो फर्स्ट रिलेशन है उससे आ गया SID, SName एंड फोन नंबर, यहां देखिए आ गया SID, SName एंड फोन नंबर। दूसरे रिलेशन से जो एट्रीब्यूट है एस कोड एंड सब्जेक्ट नेम, यहां आ गया एस कोड एंड सब्जेक्ट नेम। चलिए यहां तक बात हमें समझ में आ गई, अब क्या होगा देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अनदर टेबल। बड़ा ही सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो एवरी रो ऑफ द फर्स्ट टेबल विद एवरी रो ऑफ द सेकेंड टेबल। तो आपका यहां पास एक पहला रो है, दैट इज 101 सुमित 123, ये किससे ज्वाइन हो जाएगा, इसके पहले रो के साथ।
तो पहला आउटपुट आएगा 101, देन सुमित, देन 123, और यहां से आएगा CST 101, दैट इज सब्जेक्ट कोड एंड DBMS। चलिए ये आ गया आउटपुट। दूसरा क्या आएगा, अब आप क्या कर रहे हो, अभी अगर आप देखो तो आपका 101 सुमित जो है 123 इससे एसोसिएट हो गया, अब क्या करेगा इसके दूसरे रो से भी एसोसिएट होगा, तो यहां से आया 101 सुमित 123 और इसके दूसरे रो से एसोसिएट होगा तो CSP 101 ओरेकल, तो दूसरा रो आएगा आपका 101 सुमित 123 और यहां से CSP 101 और ओरेकल। ठीक है, देन अब बात करेंगे तो अब ये पहला रो पूरी तरह से इनके दोनों रो से एसोसिएट हो गया। ठीक है, अब इनके दोनों रो से एसोसिएट हो गया तो फर्स्ट रो की कंप्लीट ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। ओके, देन यहां से अब सेकेंड रो आएगा 102 राजेश 231 और इसके पहले रो से एसोसिएट होगा, दैट इज CST 101 DBMS। तो देखिए 102 राजेश 231 CST 101 DBMS। ठीक है, देन ए रो किससे एसोसिएट होगा, इसके दूसरे रो से, सब्जेक्ट्स के दूसरे रो से, तो 102 राजेश 231 CSP 101 ओरेकल। देखिए नेक्स्ट रो ये आ गया, अब इसकी भी पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई क्योंकि अब इसमें कोई रो और एक्स्ट्रा है नहीं, केवल दो ही रो हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ज्वाइन एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन द अनदर टेबल। अब आपका 103 अभिनव 784 CST 101 DBMS के साथ एसोसिएट हो जाएगा या ज्वाइन हो जाएगा, ये हो गया। देन 103 अभिनव 784 CSP 101 ओरेकल के साथ एसोसिएट हो जाएगा, हो गया। अब ये दोनों रो से एसोसिएट हो गया तो कंप्लीट ज्वाइनिंग हो गई। नेक्स्ट 104 राम्या 638 CST 101 DBMS के साथ एसोसिएट हो जाएगा एंड 104 राम्या 638 CSP 101 ओरेकल के साथ एसोसिएट हो जाएगा, इसके भी दोनों रो से ज्वाइनिंग हो गए तो कंप्लीट ज्वाइनिंग हो गई। तो ये आपका फाइनल टेबल हुआ स्टूडेंट क्रॉस सब्जेक्ट के साथ। अब अगर आप देखो यहां 4 रोज थे और यहां 2 रोज थे तो रिजल्टेंट टेबल जो है आपका फाइनल रिजल्टेंट टेबल आया, इसमें 4 × 2 टोटल 8 रोज होंगे। तो देखिए ये आपका टपल 1 है, ये टपल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। तो कुछ इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट टेबल जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आया स्टूडेंट क्रॉस सब्जेक्ट के साथ। अब बात आती है बेटा रिलेशनल एल्जेब्रा के, हम जो बात करते हैं इसको रियल टाइम पे हम सिक्वल में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ओरेकल 21C में इसको इंप्लीमेंट करके भी मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा जैसा मैंने यहां आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो समझते हैं, तो हम ओरेकल पे चलते हैं बेटा, मैंने यहां ओरेकल का एसक्यूएल डेवलपर ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहां मैंने पहले से क्वेरीज पूरी लिखी हुई हैं जो हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट टेबल अगर क्रिएट करूंगा तो अगर आप देखिए स्टूडेंट टेबल में SID SNAME एंड फोन नंबर और यही सेम मैं पूरी की पूरी वैल्यू लेने वाला हूं। दूसरा मैं सब्जेक्ट टेबल क्रिएट करूंगा, सब्जेक्ट्स जिसमें मैं पूरा का पूरा ये जो एट्रीब्यूट्स हैं रोज हैं या टपल्स हैं एग्जैक्टली सेम लेने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट और यहां मैंने SID SNAME और फोन नंबर ये तीन कॉलम लिए। अब मैं यहां टेबल क्रिएट करता हूं, तो देखिए टेबल क्रिएट हो गया। अब 4 रोज लेने हैं मुझे। अभी आप अगर देखोगे तो ये 4 रोज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। पहला है 101 सुमित 123, अगर आप देखें तो 101 सुमित 123, देन 102 राजेश 231, 103 अभिनव 784, 104 राम्या 638, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज। यहां भी देखिए तो मैंने वही सेम वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर रहा हूं, पहला इंसर्शन किया मैंने, देन सेकंड इंसर्शन वैल्यू सेम है, थर्ड इंसर्शन, देन फोर्थ इंसर्शन। आप चाहो तो रोज सॉरी टेबल को आप डिस्प्ले करा के भी देख लो तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली सेम वैल्यू लिया हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने स्टूडेंट किया और मैंने इसको रन किया तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रहे हैं जैसा मैंने अभी PPT में आपको एक्सप्लेन किया है। देन मैं सब्जेक्ट वाले की बात करता हूँ, सब्जेक्ट टेबल की बात करता हूँ, सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम लूंगा, यहाँ एस कोड और सब्जेक्ट नेम है जैसा PPT में है। अब इसको मैंने रन किया, टेबल क्रिएट हो गया, टेबल सब्जेक्ट्स क्रिएटेड, वैल्यू भी बिल्कुल सेम लूंगा मैं। तो इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज
और पहला वैल्यू है CST 101 DBMS। अब अगर आप देखो ये दोनों ही आपके कैसे हैं, जैसे तो कोई स्टूडेंट टेबल में SID नंबर टाइप का था, S नेम वैर के 2 टाइप का लिया मैंने, फोन नंबर नंबर टाइप का, तो यहां मैंने देखिए SID नंबर और जो S नेम है वो वैर के 2 है तो सिंगल कोट्स में, और यहाँ जो फोन नंबर है वो मैंने यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू लिया हुआ है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एस कोड जो है वो वैर के 2 टाइप का है और सब्जेक्ट नेम वैर के 2 टाइप का, तो दोनों ही सिंगल कोट्स में इंसर्ट होंगे, तो इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट्स वैल्यूज CST 101 एंड DBMS इंसर्ट कर दिया मैंने। देन मैंने इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यू CST 101 ओरेकल, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैल्यू लिया है। अगर आप देखेंगे तो PPT में वैल्यू बिल्कुल सेम है। ओके अब अगर आप चाहो तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट से टेबल को डिस्प्ले कर सकते हो। टेबल डिस्प्ले हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने PPT में अभी डिस्कस किया हुआ था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो SQL में क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आप क्या लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन और रिलेशन वन। तो टेबल वन क्या है, स्टूडेंट, अगर आप देखो तो टेबल वन है स्टूडेंट, क्रॉस ज्वाइन लिखते हो, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप डायरेक्टली लिखते हो क्रॉस ज्वाइन, और उसके बाद आप दूसरे टेबल का नाम या रिलेशन का नाम लिखते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट्स, यहाँ स्टूडेंट रिलेशन वन है और सब्जेक्ट रिलेशन टू है, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट टेबल हमने डिस्कस किया था वही सेम का सेम आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो SID देखिए टोटल 8 रोज आ रहे हैं, SID, S name, phone number, S code और subject name। पहले टेबल का कॉलम है SID, then S name, then phone number। दूसरे टेबल का कॉलम है S code and subject name। और बाकी ये जो resultant values हैं, जैसा हमने कहना चाहिए डिस्कस किया था PPT में, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये जो आपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम रियल टाइम पे या SQL में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम ये हमने यहाँ समझने की कोशिश की। तो आपने देखा बिल्कुल रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम है, जो थियोरेटिकली हम चीज डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और रिजल्ट बिल्कुल वैलिडेट हो रहा है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई, एक और मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां देखिए मैंने दो रिलेशन लिए हुए हैं, एक पहला जो रिलेशन है वो आपका है स्टूडेंट वन, जिसमें कॉलम्स है SID, S name एंड फोन नंबर, ठीक है, और यहां पर 4 रोज गिवन है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देन मैंने दूसरा जो रिलेशन लिया है स्टूडेंट टू, जिसमें दो कॉलम्स हैं SID और S name, देखिए यहाँ SID और S name, यहाँ 2 रोज है, 2 रोज दिख रहे हैं, तो बट ऑब्वियस जो आपका रिजल्टेंट टेबल होगा उसमें 4 × 2, 4 रोज यहाँ के और 2, 4 × 2 मीन्स 8 रोज आएंगे। ओके तो देखते हैं अब मुझे करना क्या है, स्टूडेंट वन के साथ मुझे स्टूडेंट टू का क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ओके तो कंप्यूट करते हैं। अब अगर आप देखो तो यहां बड़ा ही सिंपल है, आपको सबसे पहले इसका पहला रो लोगे आप, इसके पहले रो के साथ एसोसिएट करोगे, ठीक है, तो आपने पहला रो लिया और इसके पहले रो के साथ आपने देखो एसोसिएट कर दिया, 101 सुमित 123 एंड देन 301 सचिन आ गया, देन 101 सुमित 123 को आपने 302 कपिल के साथ एसोसिएट कर दिया, 101 सुमित 101 123 302 कपिल, देन अब इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट इस रो की, 102 राजेश 231 पहले आएगा 301 सचिन के साथ, तो देखिए आ गया 301 सचिन के साथ, देन 102 राजेश 231 302 कपिल के साथ आएगा, ये भी आ गया। ओके आगे आप देखिए तो 103 अभिनव 784 इनके दोनों रो के साथ एसोसिएट होगा, यहां ये दोनों रो के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 104 राम्या 638 इसके दोनों रो के साथ एसोसिएट होगा, तो पहले 104 राम्या 638 301 सचिन, ये देखिए, देन 104 राम्या 638 302 कपिल, सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए, तो ये कंप्लीट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब यहां जो बात मैं डिस्कस करने वाला हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मुझे समझ में आ गया, अगर आप यहां देखें इनके पहले वाले टेबल पे मैं चलूं तो इसके फर्स्ट टेबल में अगर आप देखो तो फर्स्ट टेबल में क्या था, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था, यहां SID, S name और फोन नंबर,
और यहाँ एसकोड और सब्जेक्ट नेम था। इन दोनों में जो एट्रीब्यूट नेम्स थे वो सारे अलग अलग थे, सारे डिफरेंट थे। अब अगर इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो इस एग्जाम्पल में यहाँ SID और SName है और फोन नंबर है, यहां भी SID और SName है। अब आप समझिए मतलब क्या है कि दोनों रिलेशन में आपके पास कॉमन कॉलम्स है। अगर कॉमन कॉलम आता है तो आप एग्जाम में उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट रिलेशन को, ये जो रिजल्टेंट टेबल है उसमें उसको कैसे शो करेंगे? मैं मेनली उस पॉइंट पे पॉइंट को बताने के लिए इस एग्जाम्पल को मैंने लिया हुआ है कि अगर कॉमन कॉलम होते हैं दोनों टेबल में तो आपको कैसे बताना चाहिए। तो देखिए आप क्या लिखते, SID, यहां SID लिखते, समझते हैं, यहां आप क्या लिखते, SName, यहां क्या लिखते आप, फोन नंबर। चलो फोन नंबर तो वैसे भी कॉमन नहीं है तो यहां फोन नंबर लिखते। अब अगर आप स्टूडेंट टू की बात करें तो यहां भी आप SID लिखते और यहां भी SName लिखते। दिक्कत क्या है? फोन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फोन नंबर कॉलम जो है केवल एक ही जगह पे है, यूनिक है, दूसरे वाले रिलेशन में नहीं है। लेकिन SID और SName दोनों जगह है तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए क्या करते हैं, जब कॉमन कॉलम आता है तो आप क्या करिए उसको टेबल नेम के साथ आप डिनोट कर दीजिए। कैसे डिनोट करते हैं? तो आप रिलेशन या टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम या रिलेशन का नाम डॉट कॉलम या एट्रीब्यूट का नाम। और ये केवल कहां करना है आपको? जब कॉमन कॉलम की बात हो। ठीक है, तो देखिए यहां मैंने क्या लिख दिया, student1.sid और student1.sname। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टू में भी SID और SName है। अब यहां क्या लिख दूंगा मैं, student2.sid और student2.sname। अब मुझे क्लैरिटी आ रही है कि जो SID है ये बिलोंग करता है स्टूडेंट वन से और ये जो SName है वो बिलोंग करता है स्टूडेंट वन से। लेकिन यहां जो SID है वो स्टूडेंट टू को बिलोंग करता है और यहाँ जो SName है वो स्टूडेंट टू को बिलोंग करता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो SID फर्स्ट वाला है वो स्टूडेंट वन का है और ये जो SID यहां दिख रहा है वो स्टूडेंट टू का है। केवल कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कि कंफ्यूज ना हो आप, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उससे कंफ्यूजन ना हो कि किसका SID। अब अगर रियल टाइम पे मैं अगर इसको बात करता और ओरेकल में अगर इंप्लीमेंट करता तो ओरेकल 21C में इसका इसने दूसरे तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके हैं। कहीं किसी किसी वर्जन में आपको ये मिलेगा कि डायरेक्टली टेबल नेम डॉट SID होगा। ठीक है, या आप उसको टेबल नेम के थ्रू आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे आप जहां स्टार लिखते हो, अगर आपने देखा कि हमने क्या किया था, यहां हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट, तो स्टार का मतलब क्या हो गया, ऑल फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट, तो सारे के सारे कॉलम्स आ रहे थे। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जब आप इसको Oracle 21C में एग्जीक्यूट करोगे तो होगा क्या, आपके पास जो आउटपुट आएगा, मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं, पहला एट्रीब्यूट दिखेगा SID, दूसरा एट्रीब्यूट दिखेगा SName, थर्ड एट्रीब्यूट दिखेगा फोन नंबर। ये आपका स्टूडेंट वन रिलेशन से आ गया। अब जैसे ही स्टूडेंट टू से SID आएगा तो ये क्या लिख देगा, SID_1। मतलब ये बताएगा कि भाई ये जो SID है ना, इस SID के बाद एक और डुप्लीकेट SID आ रहा था तो इसका नाम उसने ऑटोमेटिकली SID_1 कर दिया। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और SName है, इसको भी क्या कर देगा, SName_1, ऑटोमेटिकली ओरेकल का कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐसा कर देगा। तो ऐसा भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह आप क्या लिख दो, यहाँ लिख दो SID, SName, फोन नंबर, यहाँ लिख दो SID_1 और यहाँ लिख दो SName_1 या SName_1। इससे भी समझ में आ रहा है कि भाई जो पहला SID पहली बार आया उसको आपने एज इट लिख दिया, अगर वो नेम रिपीट होगा तो आप उसको _1 फिर _2 बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ऐसे आप उसको _1, 2, 3 नोमेनक्लेचर में यूज करते जाएंगे। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो हम करते हैं उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट में कौन कौन से कॉलम्स या कैसे कॉलम्स को अरेंज करते हैं, रोज को लेने का तरीका क्या होता है, कैसे इसको रियल टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।